देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री में। सबसे पहले हमने करा था बिजनेस स्टार्ट करने का जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने देखा था कि एक्सपेंस का और परचेज का कैसे करेंगे। परचेज के अंदर दो टाइप देखा था, एक तो परचेज क्रेडिट पे और एक कैश पे। फिर से हमने उसके बाद करा था इनकम का, इनकम में कैसे करेंगे, और उसको मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया था सेल्स का। सेल्स में भी दो पार्टीशन कर दिया मैंने, एक कैश बेसिस एक क्रेडिट बेसिस। यहां तक कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब होता है कि हर बिजनेसमैन, अब देखो जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं दिन भर अगर बच्चों से फी कलेक्ट करके मैं बैंक में जमा तो करूंगा ही। जब मैं बैंक में जमा करूंगा तो उसका भी कुछ ना कुछ आपका जर्नल एंट्री होगा। उसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो सीखेंगे आज, लेकिन पहले आप थोड़ा सा माइंड लगाना। अब देखो मेरे पास दो जगह पे इम्पैक्ट आने वाला है, एक कैश पे इम्पैक्ट आएगा और एक बैंक पे इम्पैक्ट आएगा। अगर हम सोचे तो कैश पे क्या इम्पैक्ट होगा, कम। मेरे पॉकेट में अभी 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, बैंक में जाके जमा कर दूंगा तो बचेंगे कितने मेरे पास, मेरे ड्रॉर में अभी कितने पड़े हुए हैं, मान लो 5,000 रुपए। अब मैंने इसमें से निकाला, ड्रॉर में पड़ा हुआ तो मतलब कहाँ है, बिजनेस के अंदर, इसमें से निकाला और जाके बैंक में जमा कर दिया। तो फिर इसका मतलब मेरा कैश पे क्या इंपैक्ट आया, कम हो गया, लेकिन बैंक प्लस होगा। अब कैश की बात करूं तो ये भी मेरा एसेट है या नहीं है, और ये भी मेरा एसेट है। मतलब अगर मैं साइड बताऊं तो इसका भी साइड डेबिट वाला है और इसका भी साइड क्या है, डेबिट। और समझते हैं, डेबिट वाले में प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा और डेबिट वाले में माइनस करने के लिए क्रेडिट। इसका मतलब कैश क्या होने वाला है हमारा, क्रेडिट, और बैंक क्या होने वाला है, तो जर्नल एंट्री क्या बन सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री मैंने फर्स्ट एंट्री का है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है। और आ गया 400, और ये भी 400 बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू इनटू बैंक। अब इसको बोलने के ना बड़े अलग अलग लैंग्वेज है। जो मैंने तीन स्टेटमेंट लिखा है तीनों का मतलब एक ही है कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से बोला गया। पेड इनटू बैंक 300, पेड इनटू बैंक का मतलब मैंने बैंक में जाके पेड किया है। क्या पेड किया होगा, कैश दिया होगा, तो ये भी हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ही माना जाएगा। बस लैंग्वेज चेंज है, देखो पेड इनटू बैंक मतलब वही है, बैंक में जाके पैसे जमा किया जा रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे इसकी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड इनटू बैंक अमाउंट 300, अमाउंट 300 फर्स्ट एंट्री। सेकंड, थर्ड एंट्री में देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, कैश सेंट। सेंट मतलब भिजवा दिया। जरूरी नहीं है कि मैं ही हर बार जमा करने जाऊं, मेरा जो सर्वेंट है, मेरा जो अकाउंटेंट है, मैंने बोला भाई एक काम करो बैंक में पैसे जमा कर दो, तो सेंट का मतलब भेजना, कैश सेंट इनटू द बैंक, बैंक में मैंने पैसे भेज दिए। अल्टीमेटली मैंने क्या भेजा बैंक में, कैश ही भेजा है। तो एंट्री क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बोल सकता हूँ, इस वाले को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बोल सकता हूँ। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग में लिख सकते हो, पेड इनटू बैंक लिख सकते हो, बीइंग में लिख सकते हो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बीइंग में लिख सकते हो, कैश सेंट इनटू। तो थर्ड एंट्री आप खुद ट्राई करो क्या होगा, ठीक है।